जहाँ प्रथम रोक सिग्नल के नीचे कॉलिंग आउट सिग्नल लगा हो, वहाँ बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी लेने के लिए कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ किया जा सकता है? नहीं। अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेते समय स्टेशन मास्टर अवरोध से कितनी दूरी पर खड़े होकर हैंड सिग्नल दिखाएगा? 45 मीटर। कॉमन स्टार्टर सिग्नल वाली लाइन से T512 के प्राधिकार पत्र पर गाड़ी को रवाना करते समय अंतिम पॉइंट तक गाड़ी को पायलट किया जाना आवश्यक है? नहीं। बिना स्टार्टर सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को रवाना करने के लिए शंट सिग्नल ऑफ किया जा सकता है? नहीं। डबल लाइन स्टेशन के यार्ड की बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए चालक को कौन सा प्राधिकार देकर पायलट किया जाएगा? T511। सवारी गाड़ी की शंटिंग करते समय इंजन को लोड पर जोड़ने से पूर्व लोड को कितना पहले खड़ा किया जाना चाहिए? 20 मीटर। जिस लाइन पर पहले से कोई सवारी गाड़ी खड़ी हो और इमरजेंसी में उसी लाइन पर कोई इंजन रखना हो जिसका उस गाड़ी से कोई संबंध ना हो, तो वह लोड से कम कितनी दूरी पर रखा जाएगा? 50 मीटर की दूरी पर। शंटिंग की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? 15 km/h। शंटिंग के दौरान रात के समय बत्ती का लाल कांच टूट जाने पर शंटिंग कार्य को कैसे रुकवाया जाएगा? सफेद बत्ती से। सवारी गाड़ी के खाली रैक की शंटिंग के दौरान अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? 15 km/h। विस्फोटक माल से लदे हुए बैगन की शंटिंग के दौरान अधिकतम गति कितनी होगी? 8 km/h। दो बॉक्स बैगन की शंटिंग बिना प्रेशर के करते समय अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? 3 km/h। यात्री से युक्त सवारी गाड़ी की शंटिंग के दौरान अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? 8 km/h। जब सिंगल लाइन में संचार व्यवस्था भंग के समय किसी वाहन को संचार व्यवस्था खोलने के लिए नहीं भेजा जा रहा हो तो उसके साथ ब्रेक भान लगाकर भी भेजा जा सकता है? हाँ। दुर्घटना के समय TA602 के प्राधिकार पर जाने वाली सहायता गाड़ी को लोको पायलट को कहाँ से कहाँ तक यात्रा करने की अनुमति है? दुर्घटना स्थल एवं वापस प्रथम रोक सिग्नल तक। दुर्घटना स्थल ब्लॉक सेक्शन में जाने वाली अप गाड़ी के चालक को कौन सा प्राधिकार पत्र दिया जाएगा? TA602। दुर्घटना ग्रस्त ब्लॉक सेक्शन में अधिकतम कितनी सहायता गाड़ी भेजी जा सकती है? 2। TA602 का प्राधिकार पत्र प्रस्थान रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में भी पार करने की अनुमति देता है? हाँ। डबल लाइन पर पूर्ण संचार व्यवस्था भंग के समय एक गाड़ी जाने के बाद उसी दिशा में दूसरी गाड़ी कब चलाई जाएगी? 30 मिनट बाद। डबल लाइन पर पूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर चालक को गाड़ी संचालन के लिए कौन सा प्राधिकार पत्र दिया जाएगा? TC602। डबल लाइन पर पूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान चालक गाड़ी को किस गति से चलाएगा? दिन के समय 25 किलोमीटर प्रति घंटा और रात के समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा। डबल लाइन पर पूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान चल रही गाड़ी की दुर्घटना हो जाने पर यदि पास वाली लाइन अवरुद्ध हो जाए तो चालक ब्रांड गेज पर उस लाइन का बचाव करने के लिए पटाखे कितनी दूरी पर लगाएगा? पहला 250, दूसरा 500 और तीसरा 10 मीटर की दूरी पर। डबल लाइन पर पूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान स्टेशन का प्रथम रोक सिग्नल ऑन स्थिति में मिलने पर चालक कितने समय के पश्चात सहायक चालक को स्टेशन पर सूचना देने के लिए भेजेगा? 10 मिनट बाद। डबल लाइन पर पूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाने पर भेजी जाने वाली दूसरी गाड़ी की अधिकतम गति क्या होगी? 25 km/h।
डबल लाइन से सिंगल लाइन कार्य प्रणाली के दौरान विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी को प्रस्थान के लिए कौन सा प्राधिकार मिलेगा? TD 602 प्लस T 511। डबल लाइन से सिंगल लाइन कार्य प्रणाली के दौरान सही दिशा में जाने वाली गाड़ी को प्रस्थान के लिए कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा? TD 602। डबल लाइन से सिंगल लाइन कार्य प्रणाली के दौरान सही दिशा में जाने वाली गाड़ी को अगले स्टेशन पर किस प्राधिकार पर लिया जाएगा? सिग्नल पर। डबल लाइन से सिंगल लाइन कार्य प्रणाली के दौरान विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी को अगले स्टेशन पर किस प्राधिकार पर लिया जाएगा? T 510 पर। डबल लाइन पर सिंगल लाइन कार्य प्रणाली लागू करने के बाद जाने वाली पहली गाड़ी के चालक को किस गति का सतर्कता आदेश दिया जाएगा? 25 km/h का। डबल लाइन पर सिंगल लाइन कार्य प्रणाली लागू करने के बाद उसी दिशा में जाने वाली दूसरी गाड़ी की गति कितनी होगी? सम्मान। डबल लाइन पर सिंगल लाइन कार्य प्रणाली के दौरान पहली गाड़ी जाने के बाद उसी दिशा में दूसरी गाड़ी कब भेजी जाएगी? लाइन क्लियर मिलने के बाद। सवारी गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में रनिंग टाइम के कितने समय बाद कब ओवर ड्यू माना जाता है? 10 मिनट बाद। मालगाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में रनिंग टाइम के कितने समय बाद कब ओवर ड्यू माना जाता है? 20 मिनट बाद। ब्लॉक सेक्शन में किसी गाड़ी का इंजन फेल हो गया हो तो उसकी सहायता के लिए जाने वाले इंजन को क्या प्राधिकार दिया जाएगा? TA 602। सिंगल लाइन पूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान संचार व्यवस्था खोलने के लिए जाने वाले इंजन के चालक को क्या प्राधिकार दिया जाएगा? TB 602।